Hi friends, I'm Anand Punchman. Today we're going to start with certain examples from Aurora. Okay, the first example is this: A balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second at the height of 39.2 meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon, a lot of information is given in one statement itself. आ, आ, तो अपने को उसको तोड़ तोड़ के को निकालना है। पहले तो बलून ऊपर जा रहा है में। आ, कितने रेट से जा रहा है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड मतलब उसका ऊपर जाने का जो वेलोसिटी है उसका ऊपर जाने का जो वेलोसिटी है वो कितना है तो उसका ऊपर जाने का वेलोसिटी जो है लाल लाल है अपने को सफेद सफेद करना है कहाँ गया कहा गया ये रहा लाल नहीं सफेद तो उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड मतलब ये थोड़ा जाड़ा है फाइन <laughs> तो ब्रश

बराबर यहां से फूड पैकेट को पैकेट दिस इज ग्राउंड ग्राउंड वीवी वी है बट फाइन

समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा द मोमेंट यू अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड हाँ, 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 सुन तो द मोमेंट okay, तो अच्छा, तो में उसको ऐसे डिचक्यू करता हूँ द मोमेंट में उसको ऐसे डिचक करता हूँ मैं ऐसे ऐसे नहीं डाल रहा है बराबर मैं फूड पैकेट ऐसे ऐसे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं फूड पैकेट ऐसे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे बराबर तो क्या होगा फूड पैकेट नीचे जाएगा फूड <laughs> पैकेट क्या करेगा नीचे जाएगा उसको कौन खींचेगा ग्रेविटी खींचेगा तब तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था पता चला कि नहीं पता चला गलत जवाब जीरो नहीं होगा <laughs>

कोई doubt इसके अंदर सो वी हैव गॉट सो वी थिंग इसका इसका जो वेलोसिटी था इसका जो वेलोसिटी था वो इनिशियल पैकेट so का वेलोसिटी, फूड पैकेट का जो यू है इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में इसीलिए पॉजिटिव लिया है समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा क्लियर आगे क्वेश्चन पे जाते हैं आगे क्वेश्चन पे जाते हैं

टकराएगा बराबर फाइन मैं भुखा नंगा प्यासा वहां पर पकड़ेगा उसको तब मेरे हाथ में जब वो आएगा तब उसका विलोसिटी कितना होगा मेरे हाथ पे जब वो थोड़ाएगा तब उसका विलोसिटी कितना होगा पता चला कि नहीं पता चला

आपको ऐसा होता ना दिक्कत हो ना कि कैसे ये फॉर्मूला लगाया वो पता नहीं चला तो अभी 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 सोचना तेरे पास आशु है और तुझे टीवी चाहिए फाइन तो कैसे सेटिंग करेगा हुआ नहीं हुआ? आशु. है तेरे पास तीन so इक्वेशन है मुझे तो बाकी कुछ अभी याद नहीं है वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी ओ माई गॉड मी समझे कि नहीं समझे बोथ द वेरिएबल्स तो ये वी कैन नॉट यूज वी कैन नॉट यूज ना तो मेरे को वी पता है ना तो मेरे को टी पता है आई नो ए आई नो वी जीरो कॉज दैट्स माई यू पता चला कि नहीं पता चला ओके देन आफ्टर माई सेकेंड इक्वेशन इज एस विच इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा फाइन आई ओके ओके एस यस इज आई डू हैव आई डू हैव वी जीरो ये आई आई हैव हाफ आई हैव ए आई हैव Only time is not there, so I can calculate the value of time. Don't you, don't you understand that? ah हाँ, ah, we can calculate the value of time. to chalna कर दे calculate. This is how you have to do. ऐसे ऐसे पचास साठ equation लिखना हो ना एक के बाद एक तो दिक्कत आएगी ना है कितने अपने पास तीन equation हैं? वो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Easy है कि नहीं है? Fine.

बराबर फाइन वो एक्चुअली तमाम बोलना था उसी टाइम पे वो ऐसा हो रहा था तो वो कमाम हो गया समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा क्या क्या गड़बड़ हुआ समझ पड़ा सबको कैसे होता है समझ पड़ा सबको डन हुआ डन हुआ डन हुआ डन हुआ डन हुआ ओके okay. चलो हाथ चाहिए था बेटा चलो सो नाउ एस 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 कितना था थर्टी नाइन पॉइंट टू व्हिच इज इक्वल टू ये 9.8 मैंने पॉजिटिव लिया क्यों पॉजिटिव लिया क्योंकि ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है तू तो तेरा पैर वहां से ले लेना ले सेम अभी पैर ले लो वहां से प्लस हाफ जी का वैल्यू माइनस 9.8 थी स्क्वायर स्क्वायर ये रहा ना किसने ना बोला ये रहा हाँ ये रहा बेटा ये रहा देखो देखो दिख जाएगा ना चलो सो so, मन क्या आंखों से देखो बेटा दिखेगा चलो सो so, 39.2 अपने यहां से 9.8 को कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकाल के इसके नीचे लेके आ फाइन कितना आएगा ये फोर आएगा बराबर सो आई कैन से डे 39.2 टू विच इज इक्वल टू 9.8 को कॉमन निकाल दिया यहाँ पे बच्चा कौन टी माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर समझ पड़ा दिस बिकम्स 4.9 ठीक है मैंने कॉमन निकाला ना पता चला कि हाँ तो ये कहाँ से आएगा अरे मगज है कि मूत्रा पिंडला फाइन फाइन सो वी कैन से दैट दिस इज गॉन सो दिस बिकम्स वन ओनली दिस बिकम्स वन ओनली ये वन समझ पड़ा क्लियर तो अभी गया, हो जाएगी और माइनस यहाँ पे टी हो जाएगी और ये टू सूमड़ी में आके यहाँ के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा फाइन मुझे पता ही था नहीं बेटा ये टू का एलसीएम लिए तो क्या हुआ सामने ऐसे पप्पी इसके ऊपर का मैंने नाइन, मुझे वो भी पता ही था तो 9.8 को निकाला तो यहाँ पे t बचा और 9.8 बाहर निकल गया तो यहाँ पे half बचा into t square बचा समझ पड़ा इसको अंदर डाल दे आ गया इसको अंदर डाल दे आ गया अरे इसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही आ गया 9.8 into t अपने बाद में बात करते हैं ठीक है, है? चल जिसको भी थोड़े मैथमेटिक्स में ऐसे डाउट्स है बैठने का मुझे पूछ के उसको क्लियर करके जाने का ठीक है फाइन इट हैपेंस इट हैपेंस नहीं सेट होता दिमाग के अंदर ठीक है फाइन अपने उसको सॉल्व करेंगे बट यू हैव टू रिमेंबर अगर ये प्रोसेस नहीं सेट होता है दिमाग में तो आपको वो 2 2 3 3 4 4 बार सम को घर पे लिखना है फाइन नहीं तो वो सेट नहीं ही होगा क्लियर फाइन चलो ध्यान दो

okay yeah yeah somebody said t-square okay so we'll be having t-square so now what i do i'll take this minus t-square that side so i will be having plus t-square okay and then let's say i'm just taking i'm taking this 2d that side so it will be a minus 2d and 8 is already there so i've got this which is equal to which is equal to 0 right right somebody said i don't know who so so we've got ass heading for 4 to 8 फाइन सो टी स्क्वेर माइनस फोर्टी प्लस टूटी प्लस नहीं नहीं आ देर यू गो पता चला साथ दो दो तो सेकेंड हो गया ओके। हम लोगों ने नीचे जाने वाला नेगेटिव लेना था वो एच नेगेटिव लेना था फाइन एच नेगेटिव लेना था याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है हाँ आ रहा है ना तो यहां पे वो नहीं लिया तो कैसे दिक्कत हुई दिखा फाइन टाइम नेगेटिव आ गया गलत जवाब वैसा हो नहीं सकता क्लियर फाइन सो इसी वजह से you have to remember कि नीचे जाने वाली चीज लेनी है, माइनस थर्टी दिस इज माइनस थर्टी नाइन माइनस पो माइनस माइनस पो 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 माइनस 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 सो माइनस एट वहां पे क्या हो जाएगा माइनस एट ही रहेगा तो अपने इरेज रीजन करके ए गांडू ए इरेज रीजन रीजन इरेज आई वो जो सो so ये अपने माइनस एट करेंगे अभी इसका सेटिंग अलग हो जाएगा सो आर टी के ना कहा गया कहा गया ये रहा सो so, तो ये माइनस एट बराबर सो so, टी स्क्वेर माइनस फोर्टी माइनस टू or uh, minus 8 which is equal to 0. So I'll be having t common, t minus 4 plus 2 common, t minus 4. Fine. So we'll be having t ma plus 2 into t minus 4 is equal to 0. So t is equal to minus 2 seconds और t क्वल टू फोर बी नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई यू गोइंग टू कंसीडर सेकंड्स तो फूड पैकेट को ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई चार सेकंड्स लगेंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फाइन ठीक है कोई डाउट इसके अंदर कोई डाउट इसके अंदर फाइन चलो ये होने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार सेकंड्स तो हमें मिल गए चार सेकंड्स तो हमें मिल गए तो अभी मुझे आगे का भी मिल जाएगा डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस के लिए आगे का भी मिल जाएगा तो डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नहीं, वेलोसिटी के लिए v is equal to v zero plus तो ढूंढना है माइनस नाइन पॉइंट एट फोर टाइम चार नाइन पॉइंट एट में से एक नाइन पॉइंट एट चला जाए तो माइनस थ्री टाइम्स नाइन पॉइंट एट बचेगा समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा फाइन पता चला तो कितना होगा ये ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर फोर आएगा फाइन ओके सो दिस इज मीटर पर सेकेंड नेगेटिव है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा अलग कोई डाउट इसके अंदर अच्छा एग्जांपल था ना अच्छा एग्जांपल था ना फाइन फाइन ओके चलो लिखो.